नंबर 36, इसी तरह बुक ऑफ डेविड चैप्टर नंबर 118 वर्स नंबर 17 और 18, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 3, बुक ऑफ रिविलेशन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 9, बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर नंबर 51 वर्स नंबर 14, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 27 वर्स नंबर 60, और सीधा बुक गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 19 वर्स नंबर 41 और 42। अगर आप ये जो वर्सेस मैंने आपके सामने पढ़े हैं, अगर आप इसको तरतीब के साथ पढ़ेंगे, सिंक्रोनाइज अंदाज में पढ़ेंगे एक ही हिस्से के हिसाब से, तो आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि बाइबल के मुताबिक भी यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, उनका इंतकाल नहीं हुआ। 14 वर्सेस बाइबल में ऐसे हैं कि अगर आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, जिसको आप कहते हैं इस्तिंबात करना, इस्तिंताज करना, यानी कि आप उसमें से नतीजा निकालते हैं बिटवीन द लाइन, अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत ही क्लियर मीनिंग आ जाता है बाइबल के मुताबिक। और 14 वर्सेस मैं आपको देने वाला हूं, आप नोट कर लीजिए कि ईसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल नहीं हुआ है, वो जिंदा है। मिसाल के तौर पे गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 26 वर्स नंबर 39, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 26 वर्स नंबर 42, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 26 वर्स नंबर 44, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 32 से लेकर 36 तक, गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 22 उसकी वर्स नंबर 39 से लेकर 42 तक, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 11 उसकी वर्स नंबर 41, बुक ऑफ हेब्रियू चैप्टर नंबर 5 उसकी वर्स नंबर 7। ये वो 14 हवाले हैं जिससे आपको पता चलेगा कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, उनका इंतकाल नहीं हुआ है, वो बिल्कुल जिंदा है बाइबल के मुताबिक भी। अब दो हवाले, अगर आपको इतने हवाले याद ना हो तो सिर्फ दो हवाले याद कर लीजिए जिसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है अलाइव, यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है कहकर बाइबल में ये वर्ड आया। आप ये हवाला जरूर याद करिए, आपके क्रिश्चियन दोस्तों को, आपके कलीग को, पार्टनर्स को, जहां जहां मिलते जरूर बताइए, इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो आपकी जबान में असर होगा और वो जहन्नम से बच जाएंगे। और इसी तरह मुसलमान भाई जहां जहां पर भी ये वीडियो सुन रहे हैं, जहां जहां पर भी वो ये बात सुन रहे हैं, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि उनका भी ईमान पुख्ता रहेगा, उनको कोई भी आकर समझाए तो उल्टा वो समझाने वाले बन जाए, डिफेंसिव ना रहे बल्कि आप उनको समझाने वाले बन जाए। मैं चाहता हूं कि आप सामईन ना बने बल्कि आप मुबल्लिगीन बन जाए, इंशाल्लाह सिर्फ सुनने वाले ना बने बल्कि फैलाने वाले बन जाए। दो जगह पर जहां पर बाइबल में क्लियर कट अलाइव का वर्ड आया, कि ईसा अलैहिस्सलाम इज अलाइव, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 16 उसके वर्स नंबर 11, गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 15 उसके वर्स नंबर 24। अगर आप इसमें पढ़ेंगे तो इसमें वर्ड आया अलाइव। और एक जगह पर एक ऐसा वर्ड आया है जिससे क्लियर पता चल जाता है कि पॉल, सेंट पॉल के पॉल साहब ने ये क्लियर वर्ड में उन्होंने ये लफ्ज बतलाया है कि बुक ऑफ गैलेशियंस अगर आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 उसकी वर्स नंबर 1 के अंदर पोर्ट्रेट का वर्ड आया है। पोर्ट्रेट का वर्ड अगर आप जाकर ऑथेंटिक डिक्शनरी में अगर आप देखेंगे, जैसा कि onlinedictionary.com, तो इसके अंदर यह बताया गया है कि टू एक्ट एज ए ड्रामा, यानी कि जो चीज छुपते नहीं छुपती, हकीकत जो है वो जबान पर आ ही जाती है, स्लिप ऑफ टंग होकर वो बातें आ ही जाती है जो हकीकत में दिल में होती है, ना चाहते हुए भी वो बातें दुबा पर आ ही जाती हैं जो हकीकत में होती है, ऐसा लगता है हमें, और ये मुझे तो यकीन है कि ऐसा ही हुआ है इसमें। तो हम देखते हैं कि बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर नंबर 3 उसकी वर्स नंबर 1 के अंदर उन्होंने क्लियर तौर पे कर दिया कि ये क्रूसिफिक्शन का, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के मरने का, उसके ऊपर जो इतना बड़ा अकीदा बताया गया कि ईसा अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम के गुनाहों को धुलने के लिए और पूरे इंसानों के गुनाहों को धोने के लिए आए थे, ये जो इतना बड़ा अकीदा बताया गया, कहा कि ये बस एक ड्रामा है, क्लियर वर्ड में एक ड्रामा है,
मैं समझता हूं कि ये प्रूफ हमारे भाइयों के लिए काफी हो जाएंगे। अब आइए मैं आपको 23 ऐसे प्रूफ बताना चाहता हूं, लॉजिकली एकेडमिकली, इसको कोई ऑफेंस ना ले, क्योंकि अगर कोई ईसाई भाई आकर हमसे सवाल करता है तो हमें इस बात का हक है कि हम उनको भी समझाएं और मुसलमानों को भी समझाएं कि ये अकीदा दरअसल बाइबल के हिसाब से भी, यानी ईसा अलैहिस्सलाम मर गए, आदम अलैहिस्सलाम के गुनाह के लिए मरे, और इसी तरह वो पूरे इंसानों के गुनाहों को धोने के लिए मर गए और उन्हें कुर्बानी दी, ये जो अकीदा है बाइबल के हिसाब से भी, कुरान मजीद के हिसाब से भी रिजेक्टेड है, क्योंकि कुरान मजीद और बाइबल के हिसाब से ये अकीदा साबित होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है। कुरान मजीद में तो क्लियर है कि वो जिंदा आसमान में उठा लिए गए। 23 और ऐसे पॉइंट जिसको मैं आप देना चाहूंगा इंशाल्लाह एकेडमिकली और फिलोसफिकली, इंशाल्लाह ये साबित हो जाएगी बात, ये 23 पॉइंट पर जो भी गौर करेगा कि ये जो अकीदा जो पॉल साहब ने बनाया, सेंट पॉल ने जो अकीदा दिया है, ये एक इलॉजिकल अकीदा है जिसका बाइबल से कोई ताल्लुक नहीं है, कुरान मजीद से भी इस अकीदे का कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि अकली एतबार से भी, साइंटिफिकली भी ये अकीदा बिल्कुल काबिल रद है, कबूल नहीं किया जा सकता, बल्कि ये अकीदा फितरत के भी खिलाफ है, अकल के भी खिलाफ है, फिलॉसफी के भी खिलाफ है और साइंस के भी खिलाफ है। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। पहला पॉइंट यह है कि अगर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुदा थे या खुदा का हिस्सा थे तो सिंपल यह है कि वो खुद ही माफ कर देते सारे गुनाहों को, उसके लिए खास तौर से मरने की क्या जरूरत थी। खुदा तो यह है कि उसके पास ये पावर होता है कि माफी चाहने वालों को माफ कर दे, उसके लिए कुर्बान होने की बात समझ में नहीं आती। सेकेंड पॉइंट यह है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरे बाइबल में, यानी जीसस ऑफ बाइबल, बाइबल के जो जीसस है उन्होंने भी, यानी पूरे बाइबल के अंदर कहीं पर भी यह नहीं मिलता कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने ओन वर्ड्स में कहा हो कि मैं फ्यूचर में ईसा आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो गलती की थी वो गलती का बोझ पूरे इंसानों पर जो बड़ा हुआ था इस ओरिजिनल सिन के लिए जो कि इनहेरिट होकर आ रहा था, यानी ये असली गुना जो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने से पूरे इंसानों को सता रहा था, मैं उसके लिए कुर्बानी देने के लिए आया हूं, एक मर्तबा भी उन्होंने मुकम्मल इस अकीदे को पेश नहीं किया। अगर आने का मकसद था तो पूरे बाइबल के अंदर एक मर्तबा तो क्लियर वर्ड में अपने इस मकसद का जिक्र करते थे, कहीं पर भी ऐसे अल्फाज हमें नहीं मिलते। इसी तरीके से मैं समझता हूं यह पॉइंट बहुत अहम, जब आप उनको समझाएंगे भाई आदम अलैहिस्सलाम ने कहां कहा कि मैं ओरिजिनल सिन के लिए आया हूं, आदम अलैहिस्सलाम के गुनाह के लिए बख्शाने के लिए, तुम्हारे ऊपर से बोझ हटाने के लिए, कहां कहा ईसा अलैहिस्सलाम, ये आप उनसे सवाल कर लीजिए। तीसरा सवाल आप ये कह सकते हैं कि जॉन द बैप्टिस्ट, यानी गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 11 और उसकी वर्स नंबर 11 के मुताबिक ये है कि जॉन द बैप्टिस्ट ये ग्रेटर देन ऑल, यानी ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा अफजल है, तो हम उनसे ये कह सकते हैं, समझाइए आप उनको, तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम की कुर्बानी क्यों, उनसे ज्यादा अफजल जॉन द बैप्टिस्ट जब है तो उनकी कुर्बानी क्यों नहीं दी आपने, ऊपर वाले ने उनकी कुर्बानी क्यों नहीं दी, ये आप सवाल कर सकते हैं उनको। इसी तरीके से चौथा पॉइंट ये है कि बुक ऑफ हेब्रू चैप्टर नंबर 7 उसकी वर्स नंबर 1 से लेकर 3 तक ये बताया गया है कि मेलेशी शेडक नामी एक शख्स है जिनके बारे में ये आया है कि वो ना पैदा हुए ना उनका इंतकाल हुआ, पता नहीं फिर हुआ क्या, बहरहाल ये वर्ड मिलता है जिससे पता चलता कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो ठीक है बगैर बाप के पैदा हुए हैं, यहां तो बताया जा रहा है कि वो पैदा भी नहीं हुए, उनका इंतकाल भी नहीं हुआ और वो एक बहुत बड़ी हस्ती के तौर पर पेश किया गया। हम फिर ये पूछते हैं फिर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुर्बान गाह या कुर्बानी
ईसा अलैहिस्सलाम की क्यों दी गई, क्यों उनको मारा गया, पूरे गुनाहों के लिए उनसे अफजल जब मलेशी शडक जैसे इंसान मौजूद थे तो उनकी कुर्बानी क्यों नहीं दी गई उनसे जब अफजल थे। क्योंकि जब हमसे पूछते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ही क्यों कुर्बानी के लिए, तो वो लोग कहते हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा अफजल थे, वो सिनलेस थे। जबकि बाइबल के मुताबिक तो मैंने आपको दो शख्सियतों के नाम गिना दिए जो ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद कहा है कि ये बहुत ज्यादा अफजल है, बहुत ज्यादा फजीलत वाले, तो फिर इनकी कुर्बानी क्यों नहीं दी गई, ये भी सवाल आप उनसे कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप उनको ये बताएं, पांचवा पॉइंट, कि बेटा बाप के गुनाह का बोझ, आखिर बेटे को सजा क्यों दी जा रही, बाप ने अगर गुनाह किया तो उसकी सजा बेटे को क्यों दी जा रही, क्या ये इंसाफ का खून नहीं है, क्या ये इंसाफ के खिलाफ नहीं है। जबकि इज़किल चैप्टर नंबर 18 उसकी वर्स नंबर 20 के अंदर क्लियर बताया गया, ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्रा उख़्रा, यानी कोई एक दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, एक के गुनाह की सजा किसी और को नहीं दी जाएगी। दुनिया का हर कानून और दुनिया के जितने भी अक्लमंद यही कहेंगे कि भाई जिसने जुर्म किया है, मिसाल के तौर पे अगर दो बच्चे हैं जो जुड़वा पैदा हुए हैं, अगर हम ये कहें कि एक का नाम, एक ए ने अगर गलती की तो बी को कत्ल किया जा रहा है ये कहकर कि तुम दोनों भी जुड़वा है, तुम्हारे चेहरे मिलते जुलते हैं, तो क्या ये कहकर बी बी को मार दिया जाएगा अगर ए ने गलती की, जाहिर बात है ये बिल्कुल इंसाफ के खिलाफ है। तो बिल्कुल इसी तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम ने, यानी बाप का गुनाह उसकी सदा बेटा क्यों भुगते, ये तो इंसाफ के खिलाफ है। और इसी तरीके से अगर आप छठवां पॉइंट भी उनको बता सकते हैं कि बुक यानी फर्स्ट पीटर चैप्टर नंबर 4 उसकी वर्स नंबर 8 के अंदर ये चीज बताई गई है कि अगर तुम सदका दोगे तो तुम्हारे गुनाह मिट जाएंगे। आप उनको ये बताइए कि जब हमने ईसा अलैहिस्सलाम को हमारे लिए कत्ल होने और हमारे लिए मरने का अकीदा हमने रख लिया तो हमारे गुनाह माफ हो जाएंगे, तो फिर ये मजीद चैरिटी देने की जरूरत क्या है, ऑलरेडी तो हमारे गुनाह माफ हो चुके हैं, ये आप उनसे भी सवाल कर सकते हैं। और इसी तरीके से चैरिटी के सवाल के बाद जब हम सातवां पॉइंट उनके सामने पेश करते हैं तो इंशाल्लाह बहुत ही बात क्लियर हो जाएगी। के सातवें पॉइंट में आप इसको नोट करते जाइए कि मैं जो आपको बात बतला रहा हूं वो बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ जाए, आप लोगों को समझा सकते हैं इंशाल्लाह। वो ये है कि बाइबल के अंदर ये बताया गया कि जो लोग ईसा अलैहिस्सलाम से पहले आए थे उनका क्या होगा, वो तो ईसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने देखा नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने माना नहीं। गुदिश्ता आने वालों में नबी भी थे, बड़े बड़े रसूल थे, पैगंबर थे, बड़े बड़े इंसान गुजरे हैं जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को देखा तक नहीं। आप कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को मानोगे कि वो तुम्हारे गुनाहों के लिए मर गए, आदम अलैहिस्सलाम के गुनाह को मिटाने के लिए उन्होंने कुर्बानी, तब जाके तुम्हारी नजात होगी। सवाल यह है कि गुदिश्ता लोगों का क्या होगा, यही वजह है कि इसका मतलब तो ये निकला ना कि गोया के सारे अंबिया जहन्नम में गए। शायद यही वजह है कि बाइबल के अंदर जगह जगह अंबिया के बारे में गलत गलत अकीदे बताए गए। सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी में बताया गया कि नौजुबिल्ला वो गंदे काम क्या करते थे, और इसी तरह से लूत अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम उनके बेटियों ने बाप को शराब पिलाया और फिर उन्होंने हमबिस्तरी की, बाद में जाकर वही नस्ल से बहुत सारे औलिया पैदा हुए, वली पैदा हुए, इस तरीके का अकीदे। यानी कि वो नबियों के बारे में इतनी बड़ी जुर्रत के, उतने बड़े बड़े गुनाह किए, ये कहना अब आसान क्यों हो गया, समझ में आ रहा है। उसकी वजह यह है गोया के इस अकीदे के मुताबिक यह कि गुजरे हुए सारे लोग जहन्नम में गए क्योंकि उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को देखा नहीं और उनको माना नहीं कि वो उनके गुनाहों के लिए मर गए। किसी भी नबी ने इस अकीदे का जिक्र तक ना किया। इससे पता चला कि ये अकीदा कितना इलॉजिकल है कि गुजरे हुए सारे नेक नबियों के बारे में इस अकीदे का मतलब ये निकलता है कि वो सब जहन्नम में है। आप उनको आठवां पॉइंट ये बता सकते हैं, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 3 उसकी वर्स नंबर 16 के मुताबिक ये है कि ये ओरिजिनल सिन जो आदम अलैहिस्सलाम यानी उनका जो गुनाह था,
मखा के इस गुनाह को बढ़ा चढ़ा के राई को पहाड़ बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर जितना ईसा आदम अलैहिस्सलाम के गुनाह को बड़ा बताया जाएगा, तब जाके उनका जो फलसफा है वो फलसफे पर वो फिट होगा कि चूंकि वो बड़ा गुनाह इतना बड़ा था, उसके लिए ईसा अलैहिस्सलाम को जान देनी पड़ी। तो बहरहाल उसके बारे में बताया गया जेनेसिस चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16 के अंदर कि इस गुनाह के बदले में औरतों को दर्द जी होता है। यानी औरत जब मां बनती है तो उस वक्त पर रहम मादर में जो बच्चा तड़पता है, तो उस वक्त पर औरत को जो लेबर पेन होते हैं, जो औरत को दर्द होता है, दर्द जी जिसको कहा जाता है हमल के दौरान, तो बाइबल के मुताबिक यह है कि वो सजा है औरत के लिए, नऊज़ बिल्ला। जबकि कुरान मजीद में तो उस दर्द की बुनियाद पर औरत की फजीलत बढ़ा दी गई। सूरह लुकमान नंबर 31 के आयत नंबर 13-14 में अल्लाह सुबहान तआला ने इरशाद फरमा दिया कि हमलतहु उम्मुहु कुरह व वज़अतहु कुरह, यानी कि कुरान मजीद में जिस दर्द को कहा कि उसमें माँ की फजीलत है, माँ का मर्तबा है, बाइबल के अंदर उस दर्द के बारे में कहा गया पनिशमेंट है। पता नहीं हमारे उन माओं पर क्या बीतती होगी कि जब उनको पता चलेगा कि इस दर्द के बदले में तुम्हें इस्लाम में जो फजीलत मिलती है वो फजीलत नहीं मिल रही है, बल्कि बाइबल के मुताबिक यह है कि तुम्हारा पनिशमेंट है, यह तुम्हारी सजा है। पता नहीं बेचारे औरतों पर क्या गुजरती होगी। तो लिहाजा ये जेनेसिस में बताया गया, और यह बताया गया कि मर्द हजरात जो पसीना बहा रहे हैं दरिए माश के लिए कमाने के लिए, यह सब आदम अलैहिस्सलाम के वो गुनाहों का नतीजा है। इसका मतलब यह निकला कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम आज भी ईसाई हजरात में जो ईसाई औरतें होती हैं हमल के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान उनको दर्द आज भी हो रहा है, और इसी तरीके से ईसाई हजरात आज भी जॉब करते हैं, खून पसीना एक करके पसीना बहाकर रोजी कमाते हैं, अगर ओरिजिनल सिन की वजह से ये गुनाह और ये सजा मिली थी इंसान औरत और मर्द को, तब तो फिर क्रूसिफिक्शन का अकीदा यानी कि कफारे का अकीदा यानी ईसा अलैहिस्सलाम हमारे गुनाहों के लिए मरे, ये अकीदा रखने की बुनियाद पर और ओरिजिनल सिन माफ हो जाएगा। अगर ये अकीदा है तो फिर आज भी ईसाई हजरात की औरतों को दर्द जी क्यों हो रहा है, लेबर पेन क्यों हो रहा है, और पसीना बहाने की जरूरत क्यों है? ये तो सजा टल जानी चाहिए थी। इससे पता चला कि ये एक इलॉजिकल अकीदा है। नौवां पॉइंट, पॉइंट नंबर 9, आप उनको ये बता सकते हैं कि अगर कोई क्रूसिफिक्शन का अकीदा रखता है, यानी यह अकीदा रखता है कि ईसा अलैहिस्सलाम हमारे गुनाहों के लिए मर गए, जैसे आप मान लेंगे आपके सारे गुनाह माफ, गोया कि आपने ओपन क्लीन चिट दे दी कि जाओ जाकर जो चाहे गुनाह कर लो, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे गुनाहों के लिए मर गए, अब जो चाहे गुनाह करो, यही तो मतलब निकलेगा। मिसाल के तौर पर अगर जाकर कोई मुसलमान या अकीदा के मुताबिक ये है कि अगर कल के कोई ईसाई हो गया और ईसाई होकर उसने वही ईसाई मुबल्लिग का उसने कत्ल कर दिया, और उसने ये अकीदा रखा कि ईसा अलैहिस्सलाम मेरे गुनाहों के लिए मर गए, का मतलब ये निकला कि उस ईसाई को कत्ल करने का जो गुनाह है या उसके जो खून का बदला है नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस गुनाह के लिए मर चुके हैं, तो फिर सजा क्यों? जब वो गुनाह के बदले में ईसा अलैहिस्सलाम जगह अपनी आप को कुर्बान कर दिया है तो फिर बदला लेने की क्या जरूरत है? इस लिहाज से यूरोप अमरीका हर जगह पर फिर इस तरीके से कोई बुराइयों पर कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कोई पावर बाकी नहीं रहेगा। इसके बजाय अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाया, फमन यअमल मिथकाल दर्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिथकाल दर्रतिन शर्रन यरा, दर्रा बराबर भी नेकी करोगे तो क़यामत में वो देख लेगा, और अगर दर्रा बराबर भी बुराई करेगा तो क़यामत में वो देख लेगा। आदमी को डर लगा हुआ रहेगा कि मेरे मरने के बाद मेरा हिसाब व किताब होने वाला है, नतीजे में वो बुराइयों से अपने आप को दूर रखे। इन्नल्लाह कान अलैकुम रकीबा, अल्लाह ताला तुम्हें ऊपर से देख रहे हैं। कि आदमी को जब ये दिमाग में बैठ जाएगा कि अल्लाह ताला देख रहे हैं तो उसको गुनाह करने की जरूरत नहीं होगी, कई गुनाह तो खुद ब खत्म हो जाए। लेकिन एक इंसान से अगर कह दिया गया आप जो चाहे भी गुनाह कर लेंगे लेकिन उस गुनाह के बदले में ईसा अलैहिस्सलाम जान दे चुके हैं या अकीदा रख लो तो काफी है, तो गोया कि आप सामने वाले को इंकरेज कर रहे हैं। इस लिहाज से हम कहेंगे कि कानूनी एतबार से सोशल एक थ्रेट बन सकता है इस टाइप का अकीदा।
दसवां पॉइंट, आप किसी को भी ये भी समझा सकते हैं कि जब ईसाई हजरात आते हैं उनके बाइबल के अंदर ये चीज आपको क्लियर मिल जाएगी, वो ये है कि शैतान ने आकर यहूदा इस्करियोती और उस जमाने के जो भी लोग थे, यहूदी थे जो साथ के बनी इसराइल के लोग थे, उनको आकर शैतान ने फिर उनको इन्फ्लुएंस किया, उनको समझाया और कहा कि कई दिन तक भटकाने के बाद प्रोग्रामिंग की शैतान ने, तब जाकर उसने ईसा अलैहिस्सलाम का पता बतलाया जिसकी बुनियाद पर